हाय एवरीवन, ईयर 2022 को यूनेस्को ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर किया है। और क्योंकि आप लोग, कुछ लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे यूनिवर्स साइंस फोरम को। यूनिवर्स साइंस फोरम क्योंकि मूलभूत विज्ञान को ज़्यादा महत्व देता है और समाज में स्पेशली स्टूडेंट्स में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की कोशिश करता है, इसीलिए ये इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फॉर बेसिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करते हुए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर रहा है। उसी सिलसिले में ये आज का टॉक, जिसका नाम है फिनोमिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमन एस्ट्रोनॉमर्स, लेकर आया है। वैसे मेरा नाम उत्तम सुरपति है, मैं यूनिवर्स साइंस फोरम का कन्वीनर हूँ और आप लोगों को वेलकम कर रहा हूँ इस टॉक में, आज के टॉक में। वैसे कहने को हम 21st सेंचुरी में है, लेकिन दुनिया की हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, थोड़ा मैं आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, हाँ, ओके ओके, ऑलराइट। हाँ, तो ये जो लेक्चर है, मैंने स्पेसिफिकली ये टॉपिक चुना था और मैंने ये लेक्चर दिया भी था। इट वाज ओपन टू ऑल ऑन 11 फरवरी। 11 फरवरी को इंटरनेशनल विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस होता है। तो उस Hello, I'm audible, right? I'm just a little concerned. Yes, am I audible? Okay. Yeah, you are audible now. पहले आप मतलब जो बोल रहे थे, आपका वीडियो पॉज हो गया था, इसलिए फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। Okay, I think I can continue, right? Yes. Okay. और मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, तो ये टॉपिक मैंने क्यों चुना था, इसलिए क्योंकि अगर हम यू नो ऐसे जनरल पब्लिक को अगर पूछे कि आप मेल साइंटिस्ट के नाम बताएं, तो यू नो मेनी ऑफ देम विल बी एबल टू से द नेम्स ऑफ मेल साइंटिस्ट। हमको काफ़ी सारे मेल साइंटिस्ट के नाम पता है, लेकिन अगर मैं पूछूँ कि फीमेल साइंटिस्ट के नाम, अगर आपको पूछूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि एटलीस्ट 3 या 4 नाम बताइए, तो यू नो मोर देन 2 शायद बताने में दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि देर आर जो बहुत सारे फीमेल एस्ट्रोनॉमर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, लेकिन फिर भी उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया था। अब तो हम मैं शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन एंड वी कैन स्टार्ट विद द पीपीटी। हाँ, तो ये है मेरा टॉपिक, फिनोमिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विमेन इन एस्ट्रोनॉमी। तो आज हम बहुत सारे विमेन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जानेंगे।
आई एम श्योर कि आपको कई नाम जो पहली बार आप सुन रहे हैं ऐसा लगेगा, एंड जिनको एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट है उनको कुछ नाम पता होंगे पहले से ही, लेकिन आई एम श्योर कि सब जो विमेन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जो बात करूंगी आई एम श्योर कि सभी के नाम नहीं पता होंगे. तो सबसे पहले तो जब हम ये देखते हैं कि महिलाएं क्यों साइंस या टेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग ये सारे जो स्टेम हम कहते हैं स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये जो फील्ड है इसमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है. उसके कारण काफ़ी है. पहले तो ये होता है कि लड़कियों को मतलब दिस हैज़ बीन इन हिस्ट्री ऑल्सो. हम पहले से चलता आ रहा है कि अगर लड़की है तो उसको उच्च शिक्षण नहीं दिया जाता है, शादी कर लो जल्दी ये बोला जाता है. तो फैमिली प्रेशर होता है काफ़ी. और कंसिडर करिए कि अगर कोई विमेन रिसर्च में चली भी जाती है तो उसके बाद में भी ये जो प्रेशर है वो कंटिन्यू होता रहता है. तो ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने पीएचडी स्टार्ट किया पर उसके बाद में पीएचडी होने के बाद उनकी शादी हो गई एंड देन कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए उनके बच्चे एंड देन द थिंग इज दे हैड टू लीव, उनको बैकआउट करना पड़ा पीएचडी से. तो ये काफ़ी चैलेंजेस विमेन को आज भी फेस करने पड़ते हैं. ये आज के चैलेंजेस हैं, पहले के चैलेंजेस तो और भी कठिन थे. महिलाओं को घर से बाहर निकलने का भी अनुमति लेना पड़ता था. जो माहौल था जो साइंस मैथ ये सब तो मतलब उस समय के महिलाओं के लिए काफ़ी एक अलग चीज़ थी. तो उसी कारण महिलाओं का यदि उन्होंने योगदान किया भी था उनका चर्चा नहीं हुआ है. तो मेरा यही आज का मोटिव रहेगा कि मैं ऐसे महिलाओं के बारे में बताऊं कि जिनका योगदान काफ़ी सही रहा है और उनके बारे में जानना ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है. तो आई एम सो सॉरी कि मेरा हिंदी मतलब इतना फ्लुएंट भी नहीं है कि मैं सारा हिंदी में बोल पाऊँ, लेकिन अगर आपको कुछ भी शब्द या फिर कुछ सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली मैं फिर से उसको दोहरा के उसको सिंपल शब्दों में बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी. ओके सो वी स्टार्ट विद दिस. मुझे ये इनका प्रोवर्ब बहुत पसंद आया. ये एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है वेरा रूबिन. और ये कहते हैं कि वी ऑल नीड परमिशन टू डू साइंस बट फॉर रीजंस दैट आर डीपली इनग्रेन्ड इन हिस्ट्री दिस परमिशन इज मोर ऑफन गिवन टू मेन देन टू विमेन. अगर हमें साइंस सीखना है तो सभी को परमिशन तो लेना पड़ता है. कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको यूं ही नहीं एडमिशन देगा. आपको परमिशन, आपको टेस्ट थ्रू जाना पड़ता है, बहुत सारा इंटरव्यूज होता है ये वो. पर कंपेयर टू मेन विमेन के लिए और भी ज़्यादा चैलेंजेस होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके वजह से टू गेट इन टू द फील्ड ऑफ साइंस बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एनी वुमन. अब मैं धीरे धीरे एक एक विमेन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में बताऊंगी. सबसे पहले लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम लाइक द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी विमेन साइंटिस्ट यू में से. तो हाइपेशिया जो इनका नाम है, हाइपेशिया ये अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में रहने वाले मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे. और उस समय की हालत ऐसी थी कि कोई भी महिला को घर से बाहर जाना या फिर कुछ ऐसा काम करना जैसे कि लोगों को पढ़ाना या फिर खुद पढ़ना ये काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें थी. आप समझिए कि इस एरा में इस माहौल में कोई महिला यदि मतलब बाहर निकल के उनको पढ़ाने लगती है. इनफैक्ट हाइपेशिया पब्लिक टॉक्स देती थी. एक जैसे ह्यूज ऑडिटोरियम जैसा होता था, ओपन ऑडिटोरियम्स जैसे होते थे, वहाँ पे वो ओपन टॉक्स पब्लिक टॉक्स देती थी. और उनके टॉक्स सुनने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे. ये मैं इसलिए इनका उदाहरण देना चाहती हूँ क्योंकि दिस शी इज़ लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ यू नो द कॉन्फिडेंस द काइंड ऑफ गट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड. तो इनमें काफ़ी हिम्मत और कॉन्फिडेंस जैसे मुझे लगा कि यू नो आई शुड स्टार्ट माय सेशन विद दिस एग्जांपल. सो हाइपेशिया उनमें से एक थे कि जिन्होंने सारे जो
जो बंधन थे, जो तभी के लोगों ने जो कह सकते हैं कि बनाए थे, जो कि काफी गलत थे, गलत है भी, पर इन्होंने फिर भी हार नहीं मानते हुए she got forward and she started, you know, educating people and imparting knowledge into as many people as possible. मैं बताना चाहूँगी कि इनके इन्होंने कुछ जो डिस्कवरीज है इनकी, एक एस्ट्रोलेब करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो आकाश में दिखती है, कोई तारा हो या फिर कोई गैलेक्सी हो, कोई लाइक मून हो, सन हो, कुछ भी चीज़ जो आकाश में है उसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को हम वो कितने हाइट पे है एक होराइजन से, उसको कैसे मेजर करते हैं, वो उनका हाइट कितना है, ये मेजर करने के लिए एस्ट्रोलेब जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. और ये उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है. और उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हाइड्रोमीटर कहते हैं. डेंसिटी एज इन लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब डेंसिटी के लिए मुझे हिंदी शब्द याद आ रहा है, तो डेंसिटी आई नो कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी को पता होगा डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, जो हम फिजिक्स साइंस में पढ़ते आ रहे हैं. तो उसको मेजर कैसे करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इन्होंने इन्वेंट किया था. तो ये हाइपेशिया के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं. पर उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि ये है कि वो एक स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस सारी महिलाओं को देना कि आप भी पढ़ सकते हो खुद और आप पढ़ा भी सकते हो. और आई थिंक दिस इज व्हाई आई कंसिडर्ड हाइपेशिया टू बी, यू नो, द फर्स्ट वुमन आई नीड वांटेड टू टॉक अबाउट. उसके बाद में देयर इज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट इज एमिली डू चैटेले. एमिली डू चैटेले एक काफी ही अच्छे परिवार से थी, एज इन राजा महाराजाओं के परिवारों में से थी. एंड इनको, यू नो, एक रॉयल फैमिली में है करके उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू लर्न नॉट ओनली लर्न इन वन लैंग्वेज बट मेनी लैंग्वेजेस. तो उनको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस की नॉलेज थी और उन्होंने इसी नॉलेज को यूज़ करके साइंस में उनका योगदान कुछ रहा है. तो वो ये है कि आइज़क न्यूटन की एक जो काफ़ी फेमस उनका आप ग्रंथ कह सकते हैं उसको, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, तो जिसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहा है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो उनका थ्योरी था वो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था. और जो यूरोप में प्रसिद्ध था वो एक अलग एक गलत थ्योरी जो जिसके प्रचार किया था वो थे रेने डेकार्ट. वो एक फेमस मैथमेटिशियन थे लेकिन अफसोस है कि उन्होंने ग्रेविटी के बारे में कुछ उनका अनुमान गलत था. तो उनका कहना था कि ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ सम टाइनी पार्टिकल्स, कुछ कण के वजह से है जो प्लैनेट्स और प्लैनेट्स को सन के अराउंड मूव करने में मदद करते हैं. लेकिन हाँ, यूरोप में रेने डेकार्ट की बहुत चलती थी तो उनका जो वो कहते थे वो सही माना जाता था. लेकिन एमिली डू चैटेले शी न्यू डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो उन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिको पहले मैथमेटिका को समझा, आइज़क न्यूटन के वर्क को पहले समझा और फिर उन्होंने उसी का ट्रांसलेशन फ्रेंच में किया ताकि वो यूरोप में प्रसिद्ध हो. तो जब एमिली डू चैटेले ने प्रिंसिपिया मैथमेटिको मैथमेटिका को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया तब जाके वो यूरोप में प्रसिद्ध हुआ और इसी तरह से जो सही थ्योरी थी ग्रेविटी की वो सब तक पहुंच पाई. सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ थ्योरीज बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता बल्कि सही थ्योरीज को, करेक्ट थ्योरीज को स्प्रेड करना टू पब्लिक, इन पब्लिक, इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो जिसे हम साइंस कम्युनिकेशन कहते हैं, तो she has been a science communicator, great science communicator, a translator of a very important work which is Principia Mathematica of Isaac Newton. उसके बाद में मैरी सोमरविल ने भी काफ़ी translations में मदद किया है.
और इनका महत्वपूर्ण उनके महत्वपूर्ण योगदान में से एक है अगेन प्रिंसिपिया मैथमेटिका का नेक्स्ट वॉल्यूम उन्होंने बनाने में मदद की है. और इसके वजह से मैरी सोमरविल के बारे में उनका जो भी योगदान था उसको मेंशन करने के लिए एक ऑथर थे, उनको मैरी सोमरविल के बारे में लिखना था. जैसे आज हम जर्नल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वैसे उन्हें मैरी सोमरविल के बारे में कुछ लिखना था. पर तभी ऐसा था कि जो भी साइंस के फील्ड में काम करता था उसको साइंटिस्ट उसको मैन ऑफ साइंस कहते थे, मैन ऑफ साइंस कहते थे. क्यों? क्योंकि तभी कोई विमेन थी ही नहीं साइंस के फील्ड में. तो जो भी साइंस के फील्ड में काम कर रहा है, एक वैज्ञानिक है, उसको टर्म दिया जाता था मैन इन साइंस. अब सोमरविल तो एक महिला थी तो उनको कैसे बोले मैन इन साइंस, तो करके एक नया वर्ड कॉइन किया गया, एक नया शब्द यूज किया गया पहली बार, जो था साइंटिस्ट. तो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट, इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू नो मे बी ऑल विमेन इन साइंस, कि उनके वजह से एक नया वर्ड दुनिया के सामने एक प्रस्तुत किया गया जो साइंटिस्ट है. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यू नो कि जो साइंटिस्ट पहला शब्द है वो एक महिला के लिए रेफर किया गया था, तो वो थी मैरी सोमरविल. बाद में आते हैं कैरोलिन हर्शल. अब जिनको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है उनको उन्होंने ये नाम सुना होगा, विलियम हर्शल नाम सुना होगा. विलियम हर्शल ने काफी सारे कॉमेट्स डिस्कवर किए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया था, काफी बड़ा टेलीस्कोप बनाया था जिससे वो बहुत सारे कॉमेट्स को डिस्कवर कर पाए. और विलियम हर्शल एक मेल साइंटिस्ट होने के कारण काफी प्रसिद्ध है आज भी. अगर विलियम हर्शल इज वेरी फेमस, बट बहुत कम लोगों को उनके बहन के बारे में पता है जो है कैरोलिन हर्शल. तो उनकी ये उनकी सिस्टर है और उन्होंने विलियम हर्शल की ऐसे बोलते थे कि वो असिस्टेंट है, लेकिन यू नो इट वाज जस्ट फॉर नेम सेइंग दैट वाज असिस्टेंट, बट शी आल्सो हैज डन क्वाइट अ गुड जॉब. कैरोलिन हर्शल ने खुद ही बहुत सारे कॉमेट्स को डिस्कवर किया है. तो ये जब उधर के किंग को समझ में आया था, रॉयल किंग को समझ में आया था, तब उन्होंने कैरोलिन हर्शल को एक खुश होके उन्होंने एक सैलरी उनको ऑफर की. और ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी महिला को साइंस में साइंस का काम कुछ काम करने के लिए एक सैलरी स्टार्ट हुई थी. सो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव अ पेड जॉब ओके इन द फील्ड ऑफ साइंस. उसके पहले यदि कोई कोई महिला काम भी करती है साइंस में तो इट वॉज जस्ट लाइक अ हेल्पर, एक असिस्टेंट करके. पर एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर जिसको पेमेंट मिलता हो, कैरोलिन हर्शल वॉज द फर्स्ट वुमन. सो ये सारी एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये काफी एक एक लाइक बेबी स्टेप्स है टुवर्ड्स विमेन एस्टैब्लिशिंग देयर रोल इन द फील्ड ऑफ साइंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमने देखा कि हाइपेशिया तो इट वॉज द वेरी बिगनिंग टू गेट आउट ऑफ होम, घर से निकल के पढ़ना पढ़ाना, यहाँ से शुरुआत होके फिर एक एक स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ के देन वी सी दैट कैरोलिन हर्शल बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू गेट अ सैलरी इन द फील्ड ऑफ साइंस. तो ये भी एक काफी बड़ी बात है. फिर आते हैं अब ये इसके बाद में जो भी सारे विमेन है वो लेटर सेंचुरीज के हैं, अर्ली 19th सेंचुरी से हैं. सो एक मैं आपको पढ़ना चाहूँगी, ये दीज ब्रीफ हिस्ट्री सपोर्ट एमिली विंटरबर्न्स, शी इज ऑल्सो अ फेमस ऑथर, कॉमेंट दैट 18th century women had to rely on the men in their lives for access to scientific work and education, which remained true for much of the 19th century. Although each of the three women had their own paths into the scientific community, each made her own success. So, jaise ki maine kaha ki iske pehle kuch bhi agar science ke field mein kuch contribute karna ho to unka unke helper, unke assistant ya fir khud जैसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जो भी है, महिलाओं को काफी मतलब मेल पे डिपेंडेंट होना पड़ता था. पर
after that, like after the 19th century, things started, during the 19th century itself, things started happening, so that, you know, women now became a little independent than what they were before. इनके बारे में, मारिया मिचेल के बारे में, इन्होंने ये काफी सब लाइक फर्स्ट इंटरनेशनली नोन वुमेन टू वर्क बोथ एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर एंड अ प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी आफ्टर एक्सेप्टिंग अ पोजीशन एट अ कॉलेज, वसार कॉलेज. सो द थिंग इज, व्हेन वी टॉक अबाउट, यू नो, मैंने जैसे कहा कि एक सैलरी मिलना भी एक इम्पॉर्टेंट बात था, इट वॉज लाइक अ स्टेप अप, राइट. तो उसी तरह से मारिया मिचेल बिकेम द फर्स्ट प्रोफेसर इन एस्ट्रोनॉमी. तो अब ये सोचे कि हाइपेशिया तो उनको अलाउड नहीं था सिखाना, लेकिन यू नो प्रोग्रेस होता गया एंड देन फाइनली इन 1865 मारिया मिचेल बिकम्स द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर, जो कि एक प्रोफेशनल उनको एक क्या कह सकते, एक स्थान मिला एक कॉलेज में कि आप एक प्रॉपर एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर, तो वो भी काफी बड़ी बात है. हालांकि ये काफी देर बाद हुआ, लेकिन हुआ, दैट इज इम्पॉर्टेंट. उनका एक कोट मुझे काफी पसंद आया, दिस इज द कोट, वी स्पेशली नीड इमेजिनेशन इन साइंस, इट इज नॉट ऑल मैथमेटिक्स नॉर ऑल लॉजिक बट इट इज समवॉट ब्यूटी एंड पोएट्री. सो साइंस, जैसे कि हमें पता है कि इमेजिनेशन पे बहुत चलता है, हम चीजों को पहले इमेजिन करते हैं, फिर उसको यू नो वी ट्राई टू पुट इट, वी ट्राई टू टेस्ट इट एंड देन थियोरीज कम एंड देन उसको टेस्ट किया जाता है, तब जाके वो साइंस में कंसिडर किया जाता है. उसके बाद में फिर प्रॉपर लाइक हम स्टार्ट करेंगे कि एक एस्ट्रोनॉमी में आज भी ये डिस्कवरीज यूज होती है और काफ़ी डिपेंडेंट है सारे एस्ट्रोनॉमर्स इन सारी थ्योरीज पे. तो हम फर्स्ट बात करेंगे एनी जंप कैनन के बारे में. तो एक्सक्यूज मी, तो हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक महिलाओं का ग्रुप था, उनको नाम दिया गया था एज कंप्यूटर्स. तो ये काम ऐसा कुछ था कि मतलब हमको स्काई के इमेजेस उनको लेने थे और स्काई के इमेजेस से हर एक ऑब्जेक्ट जो भी वो फोटोग्राफ में आया है उनको उनका क्लासिफिकेशन करना है कि ये ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ और है करके. तो ये सारा जो काम था उसके लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत थी और तभी ये माना गया कि विमेन आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस जॉब. द सेकेंड रीजन वॉज अ वेरी, मैं नहीं कहना चाहती बट अ काइंड ऑफ यू नो एक काफ़ी क्रूअल सा थिंकिंग है कि यू नो अगर मेल लोगों को अगर यही काम दिया जाता तो उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती, लेकिन विमेन को ऐसा था कि जो इंटरेस्टेड थे, जो पैशनेट थे साइंस करने में, वो एकदम कम सैलरी में भी तैयार हो जाते थे करने के लिए. सो दो रीजंस थे, फर्स्ट तो एक पेशेंस और काफ़ी बारीकाई वाला ये काम था, वो फोटोग्राफिक प्लेट्स जिसको हम कहते हैं स्काई का इमेजेस को एनालाइज करने वाला काम, और दूसरा ये था कि कम सैलरी में भी उतना काम कर किया जा सकता है, तो इसीलिए महिलाओं को चुना गया. अब उनमें से एनी जंप कैनन थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन करते वक्त कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रस्तुत की. वो ये थी कि जो तारे हम देखते हैं रात को, तो जब तारे देखेंगे तो हमें लगता है कि सब सेम है, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो कुछ तारे जो लाइक जो भी तारे हम देखते हैं वो छोटे छोटे तारे हमको दिखते हैं, उनका कलर अगर मैं आपको बताऊं कुछ कॉन्स्टेलेशंस, तो आज आप जाके देख सकते हो तो एक अलग सा तारा नज़र आता है, एक ऑरेंज सा तारा नज़र आता है. एक कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है ओरायन कॉन्स्टेलेशन. अगर वक्त रहा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कॉन्स्टेलेशन कैसे देख सकते हैं हम. तो अगर देखा जाए तो अलग अलग तारे, थोड़े डिफरेंट कलर्स के तारे हमें दिखते हैं, लेकिन जस्ट हम जाके ऊपर देखेंगे तो हमको सब सेम नजर आएंगे, पर थोड़ा ऑब्जर्वेशंस अगर हम करें तो हमको समझेगा कि देर इज अ डिफरेंस इन द स्टार्स. ओके, तो ये डिफरेंस इन द स्टार्स क्या होता है कि हर तारा जो है
या फिर मैं कहूंगी सारे तारे सेम टेम्परेचर के नहीं होते, कुछ तारे जो होते हैं वो हेलो जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल. Someone, can you tell me if I'm audible? Am I audible? Yes, yes. Okay, okay, all right. Yeah, so sorry for that. That's my pet dog and he keeps coming every time I do something. Okay, I'll continue. So, हाँ तो हम अगर देखें तो ये तारे जो है उनमें डिफरेंस है और एनी जम कैनन ने यही डिफरेंस हमें हमें बताया कि हर एक तारे का टेम्परेचर अलग होता है और उनके टेम्परेचर अनुसार उनके कलर्स भी होते हैं. तो अब ये डायग्राम हम देखेंगे, इसको स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स कहते हैं. तो कुछ तारे जो होते हैं वो काफ़ी उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ब्लूइश तारे होते हैं, यंग तारे होते हैं. और कुछ तारे फिर येलो, जैसे कि हमारा सन येलोइश स्पेक्ट्रम में आता है. तो सन का अगर आप स्पेक्ट्रल क्लास पूछे तो इट इज जी टाइप ऑफ स्टार. अब हमारा सन है वो जी स्पेक्ट्रल टाइप में आता है. और फिर कुछ तारे हैं जो कि रेडिश ऑरेंजिश स्टार्स है. तो ये जो तारे हैं जो के एम तारे हैं वो ओल्ड स्टार्स होते हैं और इनका टेम्परेचर जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ओ बी ए एफ तारे. तो ये एक काफ़ी नया इन्फॉर्मेशन हो सकता है फॉर दोज पीपल हु आर न्यू टू एस्ट्रोनॉमी. पर ओ बी ए एफ जी के एम इज अ क्लासिफिकेशन, एक स्टार्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड कलर्स ये किया गया. तो ये एनी जम कैनन का योगदान रहा है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी. हाँ तो कैनन क्लासिफाइड ओवर 350,000 एंड सच ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्कवर 300 वेरिएबल स्टार्स एंड 5 नोवे इन द प्रोसेस. तो जब वो फोटोग्राफिक प्लेट्स को एनालाइज कर रही थी तभी उन्होंने अलग अलग 350,000 ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई भी किया, स्टार्स को क्लासिफाई किया इनटू ये तरह ओ है बी है ओ बी ए एफ जी के एम में और वेरिएबल स्टार्स को भी उन्होंने डिस्कवर किया. ये था एनी जम कैनन. सो एनी जम कैनन इज समथिंग दैट इज अ पर्सन हु इज रियली इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्योंकि उन्होंने हमें स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स के बारे में सिखाया. फिर आते हैं हेनरिटा स्वान लेविट. हेनरिटा स्वान लेविट का योगदान भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आज भी यूज होता है एंड इट हैज़ बीन यूज बाय वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है एडविन हबल. ओके, एडविन हबल के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा. हबल टेलीस्कोप भी उनके नाम पर है. तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि एडविन हबल ने कैसे हेनरिटा लेविट का डिस्कवरी को इस्तेमाल किया अपनी थियोरी में. सो हेनरिटा स्वान लेविट ने वो स्टडी कर रहे थे वेरिएबल स्टार्स. जब हम एनी जम कैनन के बारे में बात कर रहे थे तभी 300 वेरिएबल्स उन्होंने डिस्कवर किया, ऐसे मैंने ऐसे लिखा है. तो ये वेरिएबल स्टार्स क्या होते हैं कि जैसे कोई नॉर्मल तारा होता है उनका ब्राइटनेस सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट वेरिएबल स्टार्स का क्या है, उनका ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है. ठीक है, और कुछ तारे ऐसे भी हैं जो वो पल्सेट करते हैं, मतलब वो कंप्रेस होके दे एक्सपैंड, कंप्रेस एंड एक्सपैंड एंड देन लीडिंग टू उनका चेंज इन ल्यूमिनोसिटी. अब अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो कुछ वर्ड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्राइटनेस है फिर ल्यूमिनोसिटी है, इनमें थोड़ा फ़र्क है. तो ल्यूमिनोसिटी मतलब क्या होता है कि हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे. हम एग्जांपल लेते हैं एक बल्ब का. तो अगर हमको पता है कि बल्ब जो अब कुछ एनर्जी दे रहा है, जो लाइट दे रहा है, वो उसका एक इंट्रिंसिक क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टी है. तो वो जितना भी एनर्जी दे रहा है अपने सरफेस पे उसको हम ल्यूमिनोसिटी कहेंगे. अब वो उसी बल्ब को अगर आप अलग अलग डिस्टेंस पे देखो, ठीक है, तो
कोई इंसान जो थोड़ा लेट्स से कि 1 मीटर की दूरी पर देख रहा है, कुछ इंसान उसको 50 मीटर की दूरी पर देख रहा है, तो जो 1 मीटर वाला इंसान है वो कहेगा कि ये तो ब्राइट है, 50 मीटर वाला कहेगा कि शायद ये इतना ब्राइट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ब्राइटनेस एक ऐसा पैरामीटर है जो चेंज होता है डिस्टेंस के बेसिस पे, लेकिन ल्यूमिनोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है। ल्यूमिनोसिटी इज जस्ट द एनर्जी गिवन आउट बाय द बल्ब ऑन इट्स सर्फेस, जो कि सेम रहती है, लेकिन ब्राइटनेस जो है वो चेंज करती है डिस्टेंस पे। अब यही चीज को यूज करते हुए हेनरिटा लेविट का एक डिस्कवरी है, तो उन्होंने ये फाइंड किया कि वो स्टडी कर रहे थे वेरिएबल स्टार्स को। तो वेरिएबल स्टार्स का क्या होता है, ओके आई थिंक हम एक छोटा सा वीडियो दे सकते हैं कि ये वेरिएबल स्टार्स कैसे पल्सेट होते हैं, उनका ब्राइटनेस कम ज्यादा कैसे होता है। लेट्स सी दैट। एवरीवन हैज हर्ड तो आप देख सकते हैं कि उसका जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा कम ऐसे हो रहा है। तो विच इज बेसिकली दैट द स्टार इज चेंजिंग इट्स ल्यूमिनोसिटी। तो अब हेनरिटा लेविट ने क्या किया कि ये पीरियड मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल जो स्टार है, वेरिएबल स्टार है, वो ब्राइट हुआ, तो ये जो पीक आप देख रहे हो यहाँ पे तो ब्राइट हुआ, फिर वापस से थोड़ा डिम हुआ, तो वो डिप है, जो डिम है अगेन इट बिकम्स ब्राइट। तो ऐसा करके एक पीरियड है जो वो स्टार, वेरिएबल स्टार फॉलो करता है। और ये पीरियड, इनकी खास बात ये है, सीफीड वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल स्टार्स का भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उनमें से जो सीफीड वेरिएबल्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टी काफी अच्छे से दर्शाते हैं कि उनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड बिटवीन टू ब्राइट्स और टू डिम्स इज द सेम, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आई मीन टू से। तो ये जो है एक पीरियोडिक उनका ब्राइटनेस चेंज इन ल्यूमिनोसिटी होता है। तो उन्होंने ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सीफीड वेरिएबल्स का, ये उन्होंने जाना, और उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया बिटवीन ल्यूमिनोसिटी एंड पीरियड। तो उन्होंने आज भी एक स्टैंडर्ड, एक जैसे रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है कि अगर कोई वेरिएबल स्टार हमको सीफीड वेरिएबल स्टार है, और अगर हमें उसका हम पीरियड यदि हमको पता है कि 10 है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, तो पीरियड इज 10, मतलब इन दोनों के बीच में इट विल बी लाइक 10, ओके, तो तब हम उसका करस्पॉन्डिंग ल्यूमिनोसिटी चेक कर सकते हैं, ये जो ये एक प्लॉट है उससे। तो फिर ये प्लॉट और ये रिलेशनशिप कि अगर इतना पीरियड का कोई वेरिएबल स्टार है तो उसका ल्यूमिनोसिटी ये है, ये बताने का एक रिलेशनशिप बताने की कोशिश हमको हेनरिटा लेविट ने की। अब इससे क्या फायदा होता है, इससे हमें डिस्टेंस, वो स्टार कितनी दूरी पर है, इसका अंदाजा मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो बल्ब अगर हमें उसका ल्यूमिनोसिटी पता है, उसका हमें पता है कि एनर्जी कितना दे रहा है, अगर वो एक क्वांटिटी पता हो, और अगर हमें ये पता है कि थ्रू पीरियड, मतलब वो ब्राइट और डिम हो रहा है, ये हमको पता है, उसका हम अगर पीरियड जान ले तो हमें पता चलेगा कि उसका ल्यूमिनोसिटी, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है, तो कैपिटल एम मतलब वो ल्यूमिनोसिटी हुआ, एम मतलब छोटा एम मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब हमको उस दूरी पर उसका ब्राइटनेस हमको कितना मिल रहा है, दैट इज स्मॉल एम, उसको ब्राइटनेस कहते हैं। कैपिटल एम इज ल्यूमिनोसिटी, एंड देन डी मतलब उस तारे तक का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला में हमको नोन क्वांटिटीज क्या है, तो हमको एम पता चलता है ये डायग्राम्स, ये प्लॉट से, ये रिलेशनशिप से, ल्यूमिनोसिटी और पीरियड का रिलेशनशिप से एम पता चलता है ऑब्जर्वेशंस थ्रू, और डी हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी तारे, वेरिएबल तारे तक। तो ये था एक मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस टू दैट वेरिएबल स्टार। अब वेरिएबल स्टार
कहाँ पे होते हैं, तो गैलेक्सीज में होते हैं. तो अगर यदि आपको किसी गैलेक्सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एस्ट्रोनॉमर्स विल ट्राई टू सर्च फॉर सम वेरिएबल स्टार इन दैट पर्टिकुलर गैलेक्सी, क्योंकि ये ब्राइट भी होते हैं काफी, और इनका इनके मेजरमेंट्स हम ले सकते हैं. तो अगर मैं किसी वेरिएबल स्टार को पकड़ लेती हूँ उस गैलेक्सी में, और वो गैलेक्सी तो हमें वो वेरिएबल स्टार तक का डिस्टेंस मिल जाएगा. इनडायरेक्टली हम ये भी कह रहे हैं कि हमें उन हमें उस गैलेक्सी तक का भी डिस्टेंस मिल जाएगा. सो इन शॉर्ट हेनरिटा लेविट ने हमें क्या बताया कि इन्होंने एक तरीका बताया कि हम वेरिएबल स्टार्स एंड गैलेक्सीज तक का डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं. मैं काफ़ी देर तक बोल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं थोड़ा स्टॉप करके मैं क्वेश्चंस ले सकती हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा थोड़ा अब ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो रहा है. तो लेट मी नो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस. ओके, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ. अगर क्वेश्चंस है तो फिर आई कैन ट्राई टू आंसर दोस. शुड आई कंटिन्यू? यस यस, प्लीज कंटिन्यू. क्वेश्चंस आए नहीं है अभी तक, शायद एंड में आएंगे. चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हेनरिटा स्वान लेविट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू फाइंड द डिस्टेंस टू द वेरिएबल स्टार्स एंड गैलेक्सीज, वो एडविन हबल ने यूज किया था टू फाइंड द डिस्टेंस टू अ नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा. तो ये एक पता नहीं ये सभी को बताया नहीं, पर एडविन हबल ने हेनरिटा लेविट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस टू गैलेक्सीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द लुमिनोसिटी एंड पीरियड रिलेशन, ये एडविन हबल ने यूज करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का डिस्टेंस फाइंड किया. ओके, उसके बाद में आते हैं सिसिलिया पेन का ये योगदान रहा है कि उन्होंने हमें बताया कि स्टार्स जो है वो कौन से चीजों से बनी है, व्हाट केमिकल कॉम्पोजिशंस आर देयर इन द स्टार. तो इससे पहले ये माना जाता था कि स्टार्स भी उसी सन भी उसी एलिमेंट से बना हुआ है जो अर्थ में कॉम्पोजिशन है, पर सिसिलिया पेन वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये गलत है, और उनके ऑब्जर्वेशन से उन्हें ये पता चला. उन्होंने स्पेक्ट्रम मेजर किया, स्टडी किया ऑफ डिफरेंट स्टार्स, एंड उनको पता चला कि ये गलत है कि जिस कॉम्पोजिशन से अर्थ बना है उसी कॉम्पोजिशन से सन बना है. स्टार्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो ये उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी. और एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन दैट यू नो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन, तो बस सोचिए कि एक टाइम था जब विमेन इन एस्ट्रोनॉमी और विमेन इन साइंस वर नॉट कंसिडर्ड लाइक एनीथिंग. ओके, बट व्हेन सिसिलिया पेन शी रोट हर थीसिस वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्रिलियंट पीएचडी थीसिस रिटन इन एस्ट्रोनॉमी. तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यू नो इंस्पायरिंग है फॉर एनी वुमेन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ साइंसेस, कि वो भी कर सकते हैं, उन्हें मौका देना चाहिए. और नाउ द टाइम्स आर हैव चेंज्ड, देर आर विमेन हु आर कमिंग अप इन द फील्ड, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन स्टेम एज वेल, एंड दे शुड ऑलवेज कंटिन्यू बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वल टू ऑल द मेन इन साइंस. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो बी एनी काइंड ऑफ फेमिनिस्ट हियर और ऐसा कुछ, बट जस्ट दैट आई फील दैट यू नो आई ऑलवेज एनकरेज, आई वॉन्ट टू एनकरेज वुमेन टू टेक अप स्टेम. ओके, सो वेरा रूबिन, अब इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर कि यहाँ पे सबने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जो काफ़ी यू नो हॉट टॉपिक्स है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ब्लैक होल्स, ये सारे मुझे पता है कि काफ़ी चर्चा होती रहती है अबाउट दीज टॉपिक्स. सो वन ऑफ सच टॉपिक इज डार्क मैटर. तो ये था कि
जो वेरा रूबिन थे उन्होंने गैलेक्सीज वो स्टडी कर रहे थे और गैलेक्सीज का लाइट कर्व वो स्टडी कर रहे थे. लाइट कर्व क्या होता है कि कंसिडरिंग टू चेक द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंसेज. सो कितने डिस्टेंसेज पे क्या क्या वेलोसिटीज है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ये जानने की कोशिश वेरा रूबिन कर रहे थे और उनको काफी इंटरेस्टिंग सा एक प्लॉट मिला विच वॉज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड प्लॉट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि ये जो फर्स्ट प्लॉट है डॉटेड प्लॉट है दैट इज समथिंग दैट शुड हैव बीन द प्लॉट बट ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसा प्लॉट दे रहे थे. तो वेरा रूबिन को मतलब लगा कि ये ऐसा क्यों है करके. अब जनरली क्या होना चाहिए था कि जो भी विजिबल मैटर है, विजिबल मैटर मतलब जो स्टार्स है या फिर गैस है, डस्ट है, ये जो भी लाइट एमिट कर रहे हैं विजिबल लाइट में, तो उसके हिसाब से तो ये एक्सपेक्टेड कर्व था, लेकिन हमें मिला कुछ और ऑब्जर्वेशंस थ्रू. तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सीज के हेलो में, गैलेक्सीज का सराउंडिंग में कुछ मैटर हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्लॉट देखे तो ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ मास है, कुछ मैटर है जो कि स्पीड्स में मूव हो रहा है. अब इसका एग्जांपल मैं एक थोड़ा फनी एग्जांपल दे सकती हूँ कि हमारे रोड्स पे जो मुझे पता नहीं वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पर जो स्पीड मेजर करता है व्हीकल्स की, ठीक है, और ये होता है ना आजकल कि अगर हमने स्पीड लिमिट क्रॉस किया तो हमें फाइन पे करना पड़ता है, पेनल्टी होता है. तो समझ लीजिए कि अगर रोड पे कुछ व्हीकल्स जाते हैं तो हमें उसका स्पीड मिलता है. अब ये समझ लीजिए कि देयर इज दिस इंस्ट्रूमेंट देयर और वहां पे कुछ रास्ते पे चल नहीं रहा है, कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट किसी चीज का, तो इनविजिबल चीज का स्पीड डिटेक्ट कर रहा है. तो इसी तरह से इनके ऑब्जर्वेशंस थे कि इन्होंने कहा कि अरे यहाँ पे तो कुछ है तो नहीं, लेकिन वेलोसिटी फिर भी मिल रही है, तो ये क्या है, ये क्या चीज है. तो देन द कंक्लूजन वाज देयर इज सम मैटर व्हिच इज नॉट विजिबल टू अस व्हिच इज कॉल्ड एज अ डार्क मैटर. अब इसके पहले भी फ्रिट्ज विकी करके एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये चीज के बारे में सोचा था. ही वाज स्टडिंग अ कॉमा क्लस्टर एंड ही नोटिस दैट वहां पे हम ना अगर कुछ लॉज, फिजिक्स के लॉज यूज करें तो पता चलता है कि इतना अगर मास है तो उसके अराउंड घूमने वाली चीजें, या फिर ये कहना चाहती हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गोइंग अराउंड दैट सेंट्रल मास, ओके, तो वेलोसिटी से हम उसका मास, कितने मास के अराउंड वो चीजें घूम रही है, ये हम फाइंड कर सकते हैं. तो फ्रिट्ज विकी ने देखा कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड और जो ऑब्जर्व है वो मैच नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी कुछ डार्क मैटर जैसे प्रपोज किया था, लेकिन दैट वॉजंट कंसिडर्ड टू बी वेरी, इट वॉजंट एक्सेप्टेड बाई ऑल. बट देन ये ऑब्जर्वेशन था, उससे फिर it was mostly confirmed, they came to a conclusion that there is something which is invisible matter and the matter was named as dark matter. So hum keh sakte hain ki Vera Rubin discovered dark matter. Ab pata chala hai ki dark matter sare badi galaxies hai unke dark matter is always present in the halos in the surrounding of galaxies, huge galaxies. To ye bhi ek काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. देन इज जोसलिन बेल. जोसलिन बेल इज अगेन शी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द डिस्कवरी ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड एज पल्सार्स. आई वुड लाइक यू टू सी दिस वीडियो. तो फिर ये एक स्टार, एक टाइप का स्टार है जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, और ये न्यूट्रॉन स्टार जो है वो क्या करता है कि अपने पोल्स से कुछ रेडिएशन सेंड करता है, और ये रेडिएशंस एज एन, ओके, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ लाइट हाउस. तो लाइट हाउस क्या करता है कि यू नो उसका जो भी बीम्स ऑफ लाइट है, इट कीप्स ऑन यू नो सेंडिंग इट ऑल अवे इन ऑल द डायरेक्शंस. सो लाइकवाइज पल्सार भी यही काम करता है. पल्सार जैसे कि इट इज सेंडिंग सम यू नो रेडिएशन, इट इज स्पिनिंग, इट इज रोटेटिंग. सो ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है. देर आर मेनी पल्सर्स विच आर डिस्कवर्ड बाय नाउ,
तो ये जब फर्स्ट मतलब जब डिस्कवर नहीं हुआ था तब बेला रुबिन वाज जस्ट यू नो शी वाज अ रिसर्चर अ पीएचडी स्टूडेंट एंड शी वाज सर्चिंग फॉर सम यू नो शी वाज स्टडिंग द रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम द स्काई और उन्होंने कुछ वियर्ड सा एक सिग्नल देखा कि ये क्या हो रहा है ओके एंड वो सिग्नल जो था वो काफी पीरियोडिक था तो ऐसा उन्होंने कंक्लूड नहीं कह सकते उनको लगा कि इतना पीरियोडिक कोई सिग्नल कैसे हो सकता है रेडियो सिग्नल तो उन्होंने ऐसे उनको कुछ ग्रीन लिटिल मैन या ऐसा कुछ नाम दिया कि वो कुछ एलियंस से सिग्नल आ रहा है करके कंसिडर किया गया फिर बाद में थोड़ा डिटेल ऑब्जर्वेशंस के बारे बाद में पता चला कि इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ एलियन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट अस इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट विच इज नाउ कॉल्ड एज अ पल्सर सो इट्स काइंड ऑफ रोटेटिंग इट इज सेंडिंग रेडिएशन बीम्स ऑफ रेडिएशन और जब भी वो रेडिएशन हमारी तरफ आता है तो हमें एक स्पाइक मिलता है जब दूर जाता है तब डिप मिलता है अगेन स्पाइक डिप स्पाइक ऐसे होता है तो ये जो उनका पल्सेशन होता है ये मूवमेंट काफी पीरियोडिक होता है तो दैट इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पल्सर्स आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी एज वेरी प्रिसाइज क्लॉक्स सो दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ पल्सर्स यू वुड से एंड क्योंकि वो काफी प्रिसाइज होता है उनका पीरियड So this is what is the contribution of another scientist, which is who is Jocelyn Bell Burnell. इनको इसी इसके लिए Nobel Prize नहीं मिला था और इनके guide को मिला था. तो ये भी थोड़ा controversial topic है. Anyway, so yeah, and then we are talking about ये अब तक हम लोग ने काफी physics, astrophysics related बातें की. Now there is also something called as astrobiology, जहाँ पे we as people we are very curious to know कि are we alone or are there aliens? So this is something that ये topic जो है काफी famous topic रहा है कि मेरे students और काफी लोग पूछते हैं कि कुछ है हमारे अलावा भी या फिर सिर्फ हम अकेले हैं और एलियंस डिस्कवर हुए हैं या नहीं है तो ये अपने आप में काफी अलग और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है एस्ट्रोबायोलॉजी में और सारा सीजर इज वन सच एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हु इज इन सर्च ऑफ यू नो प्लैनेट्स एक्सोप्लैनेट्स व्हिच एक्सोप्लैनेट्स एज इन वो प्लैनेट्स है जो हमारे सोलर सिस्टम है उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं लेकिन अगर कोई दूसरा सोलर सिस्टम है तो उसमें जो प्लैनेट्स है उसको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं तो सारा सीजर और इन जैसे काफी बाकी बहुत सारे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट अब ये सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे एक्सोप्लैनेट्स में ऐसा कुछ कंडीशंस है क्या ऐसे कुछ कॉम्पोजिशन से बना हुआ है क्या टेम्परेचर्स एटमोसफियर्स है कि जहाँ पे हम जैसे ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं या फिर नॉट नेसेसरी कि हम जैसे हो कुछ अलग किस्म का ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है वहां पे पर ये जानना जरूरी होता है एक्सोप्लैनेट्स के लिए कि वो जो एक्सोप्लैनेट है वो अपने स्टार से अपने पेरेंट स्टार जैसे हमारा पेरेंट स्टार सन है और अर्थ पे लाइफ इसीलिए है क्योंकि वो एक गोल्डिलॉक्स जोन में है गोल्डिलॉक्स जोन मतलब वो जोन जहाँ पे टेम्परेचर एकदम काफी सही है ग्रेविटी भी काफी सही है सो चीजें एटमोस्फेरिक प्रेशर सही है तो ये सारी चीजें जब देखने की कोशिश करते हैं और अगर ऐसा कोई एलिजिबल एक्सोप्लैनेट दिखता है देन वी कैन ट्राई टू फाइंड वेदर देयर इज लाइफ पॉसिबल देयर और नॉट तो सारा सीजर वर्क्स ऑन यू नो सच एक्सोप्लैनेट्स व्हिच इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑन इट्स ओन एंड अ पॉपुलर वन एज वेल या देन कम्स एंड्रिया गेस एंड्रिया गेस ऑल्सो वॉन अ नोबेल प्राइज फॉर हर वेरी अमेजिंग डिस्कवरी तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हमारे गैलेक्सी में मिल्की वे में देर इज अ सेंटर एट द सेंटर देर इज अ ब्लैक होल ओके और उन्होंने कैसे पता किया कि वहां पे ब्लैक होल है आई थिंक आई हैव अ गुड वीडियो तो हम जस्ट देखेंगे कि सेंटर में अगर गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी का सेंटर में देखा जाए तो देर इज सम स्पेस वेर देर हैपन्स टू बी ऑलमोस्ट नथिंग लाइक देर इज नो ब्राइट स्टार या ऐसा कुछ जिससे हमें पता चले कि ओके इस ऑब्जेक्ट के अराउंड चीजें घूम रही है बट स्टिल there is nothing there at the center blank hai lekin stars wahan pe kuch fast move karne ki koshish karte hain to unke velocities se ye pata karne ki koshish ki ki
वहां पे जो ऑब्जेक्ट है जो हमें नहीं दिख रहा है उसका मास कितना होगा. ओके तो फिर ये उन्होंने जाने की कोशिश की और उनका मास काफी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट काफी छोटा है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रेस, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेरी वेरी हाई मास एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्लैक होल. तो उस तरह से पता चला कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है. वी कैन जस्ट सी दिस. So that star is a place where the black hole is, and it, there is nothing there absolutely, but still all the stars, you know, around are going around it, and from the velocities, ये पता किया Andrea Ghez और उनके टीम ने कि वहाँ पे एक black hole है और उसका mass कितना है. Okay, उसके बाद में I also felt like we need to also talk about, you know, Indian astronomers, astrophysicists and people who are in the field of, you know, STEM. So recently we are very proud of ISRO. We have always been proud of ISRO, and there has been amazing contributions by women. जैसे कि हमें पता है मंगलयान. तो मंगलयान के जो जो main leading scientists रहे हैं वो विमेन रहे हैं. रितु करिधाल उनमें से एक है. मैंने इसलिए इन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज जस्ट कंसिडर कि एक वुमेन होना और एक इंडियन वुमेन होना एक काफ़ी यू नो और चैलेंजिंग हो जाता है. वी नो दैट वी हैव टू कीप यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवन एज अ जस्ट एज अ वुमेन एंड देन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन इंडियन वुमेन एज वेल. सो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कम होती है कभी कभी फैमिलीज में, इन लॉज में, एंड देन वी हैव टू यू नो लिटरली काइंड ऑफ इट बिकम्स चैलेंजिंग टू डू बोथ करियर एंड द फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दैट इज़ वॉट इन द बिगिनिंग मैंने यही कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने PhD स्टार्ट किया लेकिन फिर बाद में कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में फिर भी दे हैड टू बैक आउट. सो you know there are still some women who are you know which are worth appreciating and people like Ritu Karidal, they are an example for Indian women because they just show us ki not only you can go ahead in your career, you can have your family and all the responsibilities, not only that you can also be a head to the amazing missions. Like for example she's the head of the mission, the Mangalyaan mission. The similar work about work of Nandini Harinath, even she is at a high post at ISRO, and even she worked for you know the successful mission which was the Mars orbital mission. Yeah, and then so these were the women that we talked about, and you know I think even if I don't know how many women or young girls are attending this session, but it's a message from you know another science enthusiast here that I think we should look at at science from a different perspective rather than just considering ourselves as whether we are women or whether whatever. Just consider that science is something if you're passionate about, just go for it. Okay, and with the advent in technology and with things, there is a lot of scope and requirement also of women, men, both in the field of science. So I think if you are really passionate about science, you should definitely go for it. So with this, I think I will conclude by this very beautiful Vera Rubin's question or a quote. And she's asking us that how could you possibly live on this earth and not want to study the universe? So, just be curious about things. If you are here, you are on a very special place in the universe. And being on this special place, getting to know about special place, I think it's amazing. And we should all do that. We should keep asking questions. Okay, so I think I will conclude my session with this. And I am happy to take any questions if there are any. Yeah. First of all, thank you, Sri Karuna Dhamreji.
बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने कई सारी बेहतरीन चीजों के बारे में आई जस्ट वॉन्ट टू एड कि मुझे पता है कि मेरा हिंदी मतलब मैंने पहली बार ऐसा कुछ टॉक देने की कोशिश की है पूरा हिंदी में, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं पूरा इंग्लिश में बोलती हूँ. सो मेरे लिए भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन हिंदी, तो पता नहीं वो कितना अच्छे से हो पाया या नहीं, बट थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. वेलकम वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्स साइंस फोरम. और मैं चाहूँगा कि आप और भी आगे हिंदी में प्रोग्राम्स करें, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर रीच रहेगी, आपकी आवाज़ ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगी और काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन देगी. मैं भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन क्लियरली देखने को मिलता है फैमिली का रिस्पॉन्स. अगर एक बेबी बॉय है बेबी गर्ल है तो अलग अलग होता है, तो यही पर्सपेक्टिव को चेंज करना है हमें एज अ साइंस कम्युनिकेटर्स. और फॉर द व्यूअर्स अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. सॉरी क्योंकि स्टार्टिंग में इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से मैं आज के स्पीकर का इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था. आज के स्पीकर थे जिनको आप सुन रहे थे, श्री करुणा गामरे, जो एक साइंस एक्टिविस्ट है और साइंस कम्युनिकेटर है. उनकी हॉबी है कि एस्ट्रोनॉमी को लेमैन लैंग्वेज में लोगों तक और स्पेशली स्टूडेंट्स तक, चाहे वो गांव के स्टूडेंट्स क्यों ना हो और ऐसे स्टूडेंट्स क्यों ना हो जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है स्कूल जाकर एजुकेशन लेने की, उन तक पहुंचाना, उन तक एस्ट्रोनॉमी के वर्कशॉप्स लेके जाना और पब्लिक लेक्चर्स देना और मेटियोर शावर्स दिखाना, प्लैनेट्स दिखाना थ्रू टेलीस्कोप एंड ऑल. इनका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा है कि MSc और BSc दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSc फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स 2017, और एस्ट्रोनॉमी टीचर रह चुके हैं ये. और वीकेंड्स पे काफ़ी सारे वर्कशॉप और एस्ट्रोनॉमी लेक्चर सीरीज चलाते हैं सारे एज के लोगों के लिए फ्रीलैंसिंग. और ऐसे 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 एरियाज में भी इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं जो स्टूडेंट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती स्कूल में जाके बेहतरीन एजुकेशन ले सके, जैसे कि महाराष्ट्र की धारावी चुनाभट्टी जैसे इलाकों का. और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा साइंस फोरम है जो साइंस फॉर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को लेकर वर्क कर रहा है, उनकी वॉलंटियर है और फिलहाल में BEd कर रही है. मैंने जब जाना कि आप अभी BEd कर रहे हो तो मुझे एक क्वेश्चन हुआ था कि वाई नॉट PhD अगर एस्ट्रोनॉमी में आपको इतना इंटरेस्ट है तो. यस, तो मैंने PhD के बारे में सोचा था, मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि PhD तो मैं कर लूँगी लेकिन मेरा रीच जो है वो इतना नहीं रहेगा जितना मैं अगर एक टीचर बन के अगर बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करना चाहती हूँ, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग. और दो साल के मेरे टीचर एक्सपीरियंस ने मुझे ये दिया, टीचिंग एक्सपीरियंस ने मुझे ये एक कॉन्फिडेंस दिया, एक रियलाइजेशन हुआ कि आई कैन टीच वेल, आई कैन reach more people if I'm teaching, and I think that inspired me to do it. So I am very happy that I, you know, mujhe PhD karna tha lekin I switched to teaching, and that is like I'm really very happy. To aage jaakar agar mujhe PhD karna ho to main education ke field mein PhD karungi, lekin I am thinking of, you know, of doing some research work later in my life. Okay. That's a good choice. Aur agar कोई ऑडियंस को क्वेश्चंस पूछने हो तो पूछ सकते हैं. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 2024 यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके इसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए अगर आप अपने इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स और कोई पब्लिक प्लेसेस भी हो, अगर वहाँ पर कोई साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज करना चाहते हो तो यूनिवर्स साइंस फॉरम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. फोटो एग्जीबिशंस है वैज्ञानिकों के जीवन पर, और साइंस डेमोन्स्ट्रेशंस हम करवाते हैं बेसिक साइंस रिलेटेड, ताकि साइंटिफिक टेंपर और क्वेश्चनिंग एबिलिटी स्टूडेंट्स में जनरेट हो. और क्योंकि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है तो हम वॉलंटरी हम अपने मर्जी से करते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा अगर दोगे तो ही करेंगे, क्योंकि साइंस को पॉपुलर करना है. और अगर आप व्यूअर्स को ये चाहते हो कि आप भी यूनिवर्स साइंस फोरम का हिस्सा बने,
तो आप जो भी चैनल से ये देख रहे हो वही चैनल से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। एक मेंबरशिप फॉर्म है वो आप भर सकते हो, फिर हमें एक यूनिवर्स साइंस फॉर हमें एक विज्ञान जितना नाम का गुजराती मैगजीन चलाता है। देखो जनरली क्या है कि इंग्लिश में काफ़ी सब कुछ अवेलेबल है लिटरेचर, लेकिन जब तक लोकल लैंग्वेज में साइंस का हिस्ट्री साइंस के बेसिक लॉस को लेकिन नहीं लाया जाएगा तब तक साइंस की रीच उतनी नहीं देगी। अगर घर में हम बचपन में मदर टंग में बात करते तो अगर मदर टंग में साइंस अवेलेबल होगा तो इजीली हम रीच कर पाएंगे। काफ़ी सारे साइंटिस्ट को भी हमने देखा है कि उन्होंने स्टडी मदर टंग में किया है उसके बाद ही वो ज़्यादा बेहतर कर पाए हैं। अभी भी फिलहाल भी कोई क्वेश्चन आए नहीं हैं। यदि अब कोई क्वेश्चंस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, जो फेसबुक पे जो भी पोस्ट होगा वहाँ पे भी अगर कुछ क्वेश्चंस है बाय इवनिंग और समथिंग आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू यू नो आंसर देयर। तो अगर किसी को क्वेश्चन टाइप करके वहाँ पे रखना है तो इवन दैट इज ओके, सो आई कैन आंसर इट लेटर एज वेल। और अगर आप कोई क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम नाउ। मैंने एक कैरेक्टर देखा आपने दिखाया था हाइपैथिया हाइपेशिया। हाँ मैंने एक्चुअली उनके बारे में एक मूवी देखी थी, उसके पहले तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं था कि कोई वुमन साइंस मार्टियर है। मैं ब्रूनो से बहुत ही अट्रैक्टेड हूँ तो थैंक यू हाइपैथिया के बारे में आपने बताया। सीजन ऑल्सो बहुत अच्छे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। राइट, उनका मूवी जो आपने मेंशन किया तो मैंने जब पहली बार टॉक दिया था तब मैंने ये मेंशन किया था, द मूवी इज अगोरा, राइट? सो किसी हाँ किसी ऑडियंस जिनको अगर उनके बारे में और जानना है, उन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत क्रूअल्टी फेस किया है, उनका जो द वे शी डाइड ऑल्सो इज लाइक इट वॉज अ मर्डर बेसिकली। सो ये काफ़ी मतलब बता नहीं कैसे कहूँ, बट इट इज ऑल वेरी क्रूअल एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेल पोर्ट्रेड इन दैट मूवी अगोरा। सो इफ एनी ऑडियंस इज इंटरेस्टेड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अबाउट द लाइफ ऑफ हाइपेशिया, दैट इज वन मूवी दैट यू कैन लुक यू कैन वॉच। सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड क्योंकि क्वेश्चंस आ नहीं रहे, शायद बाद में आएंगे। ओके नो प्रॉब्लम, या तो थैंक यू ऑडियंस एंड थैंक यू करुणा जी।